मैं हूँ इस टाइम और ब्लॉग चल रहा है अपना, और ब्लॉग चल रहा है जी एस्ट्रोपॉड्स के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोपॉड्स होता क्या है, उसको समझाने के लिए धीरज जी हमारे चंडीगढ़ से आए हैं। व्हाट इज एस्ट्रोपॉड्स? लेकिन अंदर जाने से पहले बता दूं आपको कि ये जो एस्ट्रोपॉड्स है ना, ये भैया धमाकेदार रूम्स हैं और सस्ते वाले रूम्स हैं और बहुत सारे फीचर्स वाले रूम्स हैं, जिसे देख के आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी दंग रह जाएंगे। ये जापानीज कॉन्सेप्ट है और बाहर फॉरेन में काफी चलते हैं, तो अभी इंडिया में भी कई जगह आ रहे हैं और धीरज जी अपने रूम के दर्शन कराने जा रहे हैं। धीरज जी बताइए। हाय, तो इट्स एस्ट्रोपॉड एज मुनीश टोल्ड यू, इट्स पर्टिकुलरली यू कैन फाइंड इन जापान सिंगापुर, बट नाउ इट इज इन इंडिया एंड मुंबई, सो यू कैन गेट अप जस्ट सी हैव अ लुक। नहीं, लुक बाद में दिखाते हैं। होता क्या एस्ट्रोपॉड स्पॉट्स? इसमें ये होता है कि आपको एक केबिन टाइप सा मिल जाता है, इसके अंदर आप बैठते हैं और सारी सुविधाएं, जिसको कह रहे हैं हिंदी में जो एमिनिटीज होती है, आप हेडफोन होता है इसमें, टीवी होता है, ये टीवी है, मैं आपको दिखाता अभी अभी अंदर 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 के नजारे दोस्तों आपको दिखाएंगे। टीवी होता है इसमें, वाईफाई होता है, फुल्ली एसी होता है, इसका टेम्परेचर होता है, इसमें फैन लगे होते हैं ऊपर से, ये अंदर एयर लेता है, सक करता है और अंदर टेम्परेचर मेंटेन करता है। सो इट्स लाइक भैया मैं बड़ा एक्साइटेड था ये देखने के लिए और अभी मैं अंदर आया हूँ, और अंदर आने के बाद सबसे पहले ये जी देखिए, ये आपको छोटे छोटे कैबिन्स दिख रहे हैं, ये कैबिन्स नहीं है। इस छोटे से हॉल के अंदर सोलह रूम्स यहाँ पर, छोटी सी स्पेस में 16 रूम यहाँ पर, 6 इधर एंड 6 रूम यहाँ पर, मतलब 16 और 6 22 एक छोटे से, और ये टॉयलेट भी कॉमन है। तो अब सबसे पहले रूम के दर्शन कराते हैं भैया। अरे भाई साहब, क्या हाल चाल? आप भी यहीं रुके जी? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो रूम दिखाते हैं पहले, ये खुल जा सिमसिम वाला रूम दिखाते हैं, ये रूम किस तरह का होता है और इसको दिखाते हैं जी। ये हमारे धीरज जी का रूम है स्पेशली, और देखिए टैन टैन, ये है जी अपना एस्ट्रोपॉड। एस्ट्रोपॉड मैं आपको दिखाता हूँ, पॉड मैं जाऊंगा सर अंदर, आप जाइए शूज को करके, ये आप मोबाइल पकड़िए, मैं आपको मोबाइल होल्ड करता हूँ। हाँ, तो इट्स लाइक चलिए, इट्स अ कैप्सूल बेसिकली, व्हाट वी कॉल्ड इट्स अ कैप्सूल, इट्स अ कैप्सूल, या इट्स लाइक यू फील एस्ट्रो, दैट्स व्हाई द नेम कैप्ड एस्ट्रो, बिकॉज यू आर इन एरोस्पेस। एरोस्पेस और ये पहुंच चुके हैं जी यहाँ पर, टच करिए वहाँ फिंगर आप अपनी इस पे लाइटों पे, यस इधर, सुपर, मेरी फोटो तो लीजिए, वीडियो तो लीजिए, लेकिन लोगों बिल्कुल को, बिल्कुल आपकी दिखाइए, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, टच करते हुए दिखाया, ये देखिए ये टच किया रूम, ये आप कंट्रोल कर सकते हो, ये टच है भैया, टच पैनल है सारे, और ये मिरर है, और भैया और क्या चीज है, ये टीवी है पुशेट, अरे बापरे बापरे, रिमोट है वहाँ आपके उधर, टीवी है, रिमोट है, एक रिमोट, दो रिमोट, पानी है, चार्जर की यहाँ पर सुविधा है, और लाइट्स का सुविधा, और साथ में ये कैबिन बंद कैसे होगा और खुलेगा कैसे, मैं बंद करके दिखाता हूँ। ये आपको टीवी ऊपर का करना पड़ेगा, इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा, खोलिए सर, पुश इट, अरे बाप रे बाप, स्विच ऑन करिए लाइट, मैजिक, इधर भी एक लाइट से आपको रीडिंग का है, ये देना, इसको ऑन करो, उसको ऑन करिए, वो देखिए रीडिंग लाइट हो गई, अरे बाप रे, सो इट्स लाइक एस्ट्रो रूम्स एंड दिस इज द बेस्ट रूम। और खास बात है कि अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो ये रूम आपको तकरीबन कितने का पड़ेगा, वो भी मुंबई रहने का खर्चा बहुत होता है यहाँ पर, 600 इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस, धीरज जी बोल रहे हैं 600 रुपए इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस, और मुंबई में रहने का खर्चा भैया, यहाँ पर आपको रूम मिलेगा बिल्कुल चिल्ड रूम, टीवी मिलेगा, एक आईना मिलेगा, चार्जर पॉट मिलेगा, उसके अलावा कॉमन वॉशरूम है, उसके अलावा अगर आप बाहर एक पेंट्री भी है एक छोटी सी, वहां पर आप चाय वाय बना सकते हैं, और लॉकर्स मिलेंगे अपना लगेज रखने के लिए, चाय यहाँ मिलती है आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग। हाँ, अच्छा, उस 600 के बीच में वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वन बॉटल वन जूस कॉम्प्लीमेंट्री। बाप रे, मेरा तो भैया इस रूम में रहने का दिल कर रहा है बेसिकली, अभी फिलहाल तो यहाँ पर एक छोटा सा घर है अपना, बट जो भी है दिस इज अ गुड ऑप्शन। सो ये ना छोटा सा ब्लॉग ऑन एस्ट्रो रूम, एक बार धीरज जी से फिर से मिलाते हैं आपको। हाँ जी, यू वॉन्ट टू से समथिंग? नथिंग, आई ऑलरेडी यू हैव टोल्ड सो मच अबाउट इट। So it's a first when I came here, it's like crazy thing for me because I have seen first time in India. Because earlier was in Japan and Singapore. So it's a nice concept. आपको एक और कॉमन चीज दिखाते हैं, ये तो रूम्स आपने देख लिए, लेकिन अगर किसी को बाहर डिनर करना है या कुछ करना है तो छोटा सा ये सेक्शन भी बना रखा है,
उसके अलावा यहाँ पर लगेज रखा हुआ है, ये जी छोटी सी पेंट्री, यहाँ पर कुछ बना सकते हैं। और यहाँ पर फॉरनर्स आके काफी रुकते हैं यहाँ पर। ये अपने लॉकर्स रहे, सबके इंडिपेंडेंट लॉकर्स, बहुत बढ़िया। तो धीरे जी बाय बाय बोलो। बाय, सी यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो, बाय।